लाइफ में ना सही और गलत में फर्क कर पाना बड़ा जरूरी है। पर अब मेरे को ब्रेक मामला होता है ये सही और गलत। सही चॉइस है वो आपको सक्सेस की तरफ ले जाती और गलत आपकी वाट लगाती। लेकिन कभी कभी ना लाइफ में सही और गलत बड़े मिक्सअप हो जाते। सही एकदम गलत हो जाता है और गलत एकदम सही। इतनी सी बात में आप इतना कंफ्यूज हो गए, आगे देखिए क्या क्या होता है। चाय पियो या कॉफी, यार समझ नहीं आ रहा। कॉफी भैया, कॉफी ले आना यार, एसिडिटी होती है यार। चलो चाय, चाय में तो बात ही नहीं है। हाँ भैया एक काम करो, अरे भैया छोड़ यार, पानी ही पी लेता हूँ। हर्ष, ये तुम हो? Is that you? Hi, Vinny. तू मुझे पहचान गया? You recognized me and went, हाँ? बस तुमने अपना ये मुंह खोला और मैं पहचान गया। लेकिन तू क्या सही टाइम पे मिला है यार? What right time of your meeting, buddy? Really? अपना क्लास रियूनियन हो रहा है। A class reunion is happening. Oh, wow. कौन कौन आ रहा है? कौन कौन आ रहा है वो तो मुझे पता नहीं। तेरा पहला प्यार दिव्या आ रही है। मुझे पता है तू स्कूल में उसका सीक्रेट एडमायरर था ना। और तुझे पता है कि बेस्ट चीज क्या है? द बेस्ट पार्ट इज दैट शी जस्ट हैड अ ब्रेकअप विद अ बॉयफ्रेंड। उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। तू कुछ समझ रहा है? यू अंडरस्टैंडिंग दिव्या? यार वो शर्मा, नाटक मत करा, डोंट प्रिटेंड। स्कूल में तो बड़ा लट्टू था उसके पीछे। इन स्कूल तो यू वर लाइक स्पिनिंग टॉय ऑन हर बिहाइंड। हां यार मुझे पता नहीं कि मैं आऊं कि नहीं आऊं, और आऊं भी तो क्यों आऊं? दिव्या आ रही है इसीलिए आऊं, और मैं तो ये भी नहीं जानता कि उसे मैं यहां धूबी कि नहीं। और अगर मैं उसे याद ही नहीं तो फिर मैं क्यों आऊं यार? आराम से बैठ मेरे भाई, रेस्ट इन पीस माय ब्रदर, इट इज जस्ट अ क्लास रीयूनियन। तू पहले ठीक से आ तो सही, यू एट लीस्ट कम प्रॉपर्ली, और बाकी तब तू मुझ पे छोड़ दे। मैं तेरा कुछ ना कुछ चक्कर तो चला ही दूंगी दिव्या के साथ। आई विल स्पिन सम व्हील फॉर यू। सी देन। सोशल मीडिया पे तो होगी होगी, लेकिन यार पता नहीं मैं उसे सर्च करूं या नहीं करूं। अब ऑन वन हैंड मुझे उस पर काफी बड़ा क्रश था, और ऑन द सेकंड हैंड वो तो मेरे बारे में जानती तक नहीं, बट बैक ऑन द फर्स्ट हैंड शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा क्रश था। Too much of confusion. Okay, जमा दी है 23,890 दिव्या शर्मा, इसमें से कहां से ढूंढूं मैं उसको? तो वैसे भी उसने फिफ्थ स्टैंडर्ड में अपना स्कूल बदल लिया था, अब तक तो शक्ल भी बदल गई होगी उसकी। अब इन फोटोज में फोटोज पता भी नहीं चलेगा कि करेक्ट वाली दिव्या शर्मा कौन सी है। हाँ स्कूल का नाम टाइप करता हूँ, बर्डिंग एंजल्स स्कूल बैच ऑफ 2006 वाशी। अरे बाप रे, एक की तो शक्ल एकदम नमूनी टाइप से है, ये नहीं हो सकती। और ये सेकंड वाली दिव्या शर्मा, इसकी तो शक्ल ही दिखाई नहीं दे रही, लाइट कहाँ है चेहरे पे? क्या आर्टिस्टिक फोटो खिंचवाते हैं ये लोग भी यार, जब शक्ल ही नहीं दिखनी होती तो। One second. क्या पता ये मेरी दिव्या शर्मा है या नहीं? On one hand, what if ये मेरी दिव्या शर्मा है? But on the other hand, what if दिव्या कभी मेरी थी नहीं? Okay, and confusion. Okay, जय माता दी once again. फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, मतलब ये मेरी वाली दिव्या शर्मा है और इसने मुझे पहचान लिया। हाउ टू स्टार्ट? हाय दिव्या, हर्ष हियर, पहचाना?
वही हर्ष जिसने मॉर्निंग असेंबली में अपनी पैंट्स में पी किया था, राइट? एक बार किया था यार, सिर्फ एक बार। So funny. अबे हंसी। So how come तुमने स्कूल में कभी आके मुझसे बात नहीं की? क्योंकि फिफ्थ ग्रेड में मुझे तुमसे इतना प्यार था कि तुम्हारे सामने आने से भी बहुत बोल दूं क्या इसे? नहीं यार, अभी नहीं, नहीं नहीं, ऐसे ही। लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ याद है। जैसे तुमने एक बार अपने बाल बहुत छोटे छोटे कटवा लिए थे और कैप पहन के आती थी, और तुम्हारा टिफिन बॉक्स होता था रेड और पिंक कलर का जिसपे दो टेडी बेयर बने होते थे, और अक्सर पोहा लाती थी, है ना? What? मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है, लेकिन तुम कह रहे हो तो हो सकता है। और एक बार तुमने क्लास डिबेट में मेरे इंटरजेक्शन क्वेश्चन पे ताली बजाई थी। I felt so so nice. क्लास डिबेट? मुझे तो ये भी बिल्कुल याद नहीं है। इस दिव्या शर्मा को तो कुछ भी याद नहीं। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, क्या आपको भी लग रहा है? दिव्या प्लीज बी ऑनलाइन, प्लीज बी ऑनलाइन, प्लीज बी ऑनलाइन, प्लीज बी ऑनलाइन, प्लीज बी ऑनलाइन। Hey, how are you? हमारा मैसेज आ गया, बढ़िया। बता दे हर्ष, अब इसको बता दे, मत कर और बता दे। अच्छा ओके, मैं अभी बात नहीं कर सकती। I have to go to an open mic storytelling event. तुम भी वहाँ पे आ जाओ, वहीं पे मिलते हैं। Great idea, great idea. कहाँ है ये event? Library cafe, 8 o'clock. Okay, done, done, done. डन, see you there. पर मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? किसी से भी पूछ लेना दिव्या शर्मा, they'll tell you. माले हैं? हर्ष, दूध ठंडा हो रहा है। यहाँ मामला गर्म हो रहा है और इनका दूध हमेशा ठंडा होता रहता है। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। Okay दिव्या, coming to you. So guys, having fun. अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारी अगली कंटेस्टेंट को। So guys, put your hands together for Divya Sharma. अरे यार, ये तो बिल्कुल ही बदल गई है। Hello everybody. आज मैं आपको सुनाऊंगी मिट्टू की कहानी। इसके बाल स्कूल में ऐसे ही थे? पता नहीं, अभी तो बड़ी वाटरफॉल टाइप की एक हेयर स्टाइल कराई हुई है इसने, कमाल है। मिट्ठू एक तोता था जो दुनिया में बिल्कुल अकेला था, और वो किसी की भी बात बहुत आसानी से मान लेता। एक दिन किसी ने कहा, मिट्ठू तोता बनने से बेहतर तो चील बनना है, चील की जिंदगी तोते की जिंदगी से बहुत ज्यादा अच्छी होती है। और मिट्ठू ने यह बात मानी। उसके बाद वो अपनी पूरी जिंदगी कुछ और बनने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका दिल उसे हमेशा कहता था, तो जो भी है, जैसा भी है, बिल्कुल ठीक है। पता नहीं क्यों मिठू ने अपनी दिल की बात नहीं सुनी। Amazing story. Oh God, I know my story was stupid. नहीं यार, तोते की identity crisis है ये तो. Very funny. Okay, that's sweet, पर तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, okay? मुझे पता है मेरी stories थोड़ी silly होती हैं. But anyway, I write for myself, right? So it's okay. अरे नहीं नहीं यार, तुम्हारी तो फिर भी बहुत original थी. ये लोग तो वैसे भी किसी भी लिखते रहते हैं, पर आके वही सुना देते।
कॉफी? शायद अगर मैं तुम्हारा नाम स्टेज पर सुनता नहीं तो शायद तुम्हें पहचान नहीं पाता. लाइक आई मीन यू चेंज्ड अ लॉट, लाइक अपीयरेंस, लाइक फॉर गुड और फॉर बैड. लेट मी चेक. नॉट बैड, एक्चुअली गुड. सॉरी, मुझे नहीं पता था मेरे स्कूल के लड़के बड़े होके इतने फॉरवर्ड हो गए हैं. अरे नहीं नहीं, तुम चाहो तो तुम मुझे भी तार सकती हो. आई डोंट माइंड. राइट, सो फनी ना. फनी ना, स्कूल में वी नेवर हंग आउट. आई मीन इफ वी हैड, हम शायद बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते. मे बी. फिर तो आई एम श्योर तुम्हें ये भी याद नहीं होगा कि तुम्हारा एक बार एक हैंडकरचीफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की क्लास में खो गया था एंड मैंने रख लिया. आई होप यू डोंट माइंड. एच एंड डी फ्रेंड्स फॉरएवर. हर्ष एंड दिव्या, मैंने लिखा था. यार मुझे तो ये भी याद नहीं है हर्ष, बट तुम हैंडकरचीफ लाए हो तो शायद हो सकता है. यार मैं तो कह रहा हूँ, या तो दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है. इस दिव्या शर्मा को हर्ष की एम्बैरेसिंग असेंबली सुसु वाली कहानी के अलावा और कोई बात याद ही नहीं है. इसका मतलब साफ, या तो दिव्या शर्मा को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है या फिर उसकी याददाश्त पार्शली खो चुकी है, या फिर ये वो दिव्या शर्मा है ही नहीं जिसे हर्ष ढूंढ रहा है. और क्या क्या चुराया तुमने मेरा? चुराया तो तुमने मेरा दिल. बता दे बेटा, बोल दे, बोल दे. नहीं नहीं यार, चुराया कहाँ. मम्मी, मैं तुम्हें वैसे भी लौटाने आया था. यू कैन कीप दिस. तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को कैसे लगती है स्टोरीज़? नहीं यार, मैं सीधे सीधे नहीं पूछ सकते थे बॉयफ्रेंड है कि नहीं. अबे क्या कह दिया, 10 बार सोच तो लिया होता कि क्या कहने वाला है. वैसे नहीं है. गर्लफ्रेंड? हस्बैंड? नो, थैंक गॉड. इसने मैं सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रहा था ना. राइट. सो फ्रेंड्स, अब तक हमारे यहाँ रजिस्टर किए गए सभी स्टोरी टेलर्स अपनी अपनी स्टोरी सुना रहे थे, बट अगर आप में से कोई अपनी स्टोरी सुनाना चाहता है तो वो स्टेज पर आ सकता है. हर्ष, तुम भी एक स्टोरी सुना रहा हूँ. नहीं नहीं, मुझे नहीं आती स्टोरी बोरी. अरे स्पॉन्टेनियस स्टोरी टेलिंग है, जो भी मन में आता है बोल दो. स्पॉन्टेनियस सर, मैं तो मुझे नहीं आती. सो गाइस, कम ऑन, लेट्स हियर इट फ्रॉम हर्ष. तो एक बार क्या होता है, एक बार ना एक एक भैंस होती है, भैंस जो सब सब जो सबसे भैंस करती है, राइट. तो एक बार उसकी भैंस ना एक हाथी से हो जाती है, तो वो बोलती है हाथी को कि भाई तू तो भाई हाथी के भैंस में भैंस है. तो हाथी बोलता है कैन यू बिलीव दिस गाय. तो वो बोलती है गाय नहीं भैंस. हाँ, तो हाथी बोलता है तो बेसिकली आप तो भैंस ऑफ लक टू यू. अगर तुम प्रूव करना चाहते हो कि मैं हाथी नहीं मैं भैंस हूँ, गो अहेड प्रूव इट. तो क्या होता है कि फिर भैंस और हाथी की शादी हो जाती है और जो बच्चे होते हैं आधे भैंस की और आधे हाथी की शक्ल में पैदा होते हैं. थैंक यू वेरी मच, आई एम सॉरी. पुअर बफलो, आई मीन पुअर फेलो. क्या स्टोरी थी ये? मैंने कहा था ना मुझे कोई स्टोरी वरी नहीं आती, तुमने मुझे ऊपर बेच के मुझे जोकर बना दिया सबके सामने. इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो हर्ष? इट्स नॉट सच अ बिग डील. प्लीज मुझे मत बताओ कि क्या बिग डील है क्या नहीं है. अगर तुम वहां आती, लोग तुम पे हंसते तब तुम्हें पता चलता. अरे बट यू वर सो क्यूट अप देयर, तुम इतनी पैशनेटली अपनी स्टोरी सुना रहे थे. प्लीज दिव्या, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैं तुमसे मिल लिया. थैंक यू वेरी मच, मैं जा रहा हूं. हर्ष, बट हर्ष, हर्ष.
दिव्या का मैसेज। हाय हर्ष, आई जस्ट वांटेड टू से सॉरी अगेन। मेरी तुम्हें एम्बैरेस करने की या तुम्हारा मजाक उड़ाने की कोई इंटेंशन नहीं थी। आई एम रियली सॉरी अगेन। आई होप आई विल सी यू एट द रियूनियन टुमारो। दिव्या। जस्ट। इट्स ओके। नहीं यार। अलकोला। हेलो, लिसन, आई एम रियली सॉरी। दिव्या, आई एम सॉरी टू यार, मैंने भी कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया। चलो, आई एम ग्लैड। या चलो, ऑनलाइन आ सकती हो वीडियो चैट पर? ऑनलाइन श्योर, 5 मिनट्स। या डन, ओके, बाय। ऑलमोस्ट हो गए। मॉम, प्लीज, मैं दूध दही ब्रेड सब आके खुद खा लूंगा, मुझे आवाज मत लगाना, ओके? बिल्कुल भी मत लगाना। हाय हाय हाय। हम हमेशा ऐसे क्यों मिलते जैसे हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं? हर्ष, तू ठंडा हो रहा है। What the hell was that? मेरी annoying माँ। मॉम, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे 5 मिनट तक आवाज मत लगाना, आपको मेरी इतनी सी बात समझ में नहीं आती क्या? तुम अपनी मॉम से ऐसे बात करते हो? नो, अरे यार, तुम उन्हें जानती नहीं हो। जब देखो चिल्ला के बात करती है मुझसे, ये सब प्यार से भी तो बोल सकती है ना यार। तुम भी उनसे कुछ खास अच्छी तरीके से बात नहीं कर रहे थे। बात करके देखो यार एक बार आराम से। You'll see the difference. Okay. I'll try. So, I'll see you at the reunion then. Yeah. दिव्या, मुझे ना तुम्हें कुछ कहना है। से ना। वो एक्चुअली ना, तुम हंसोगी तो नहीं ना? नहीं हंसूंगी बाबा, टेल मी। और गुस्सा भी नहीं होगी, प्रॉमिस करो। नहीं होंगी। वो एक्चुअली ना, मुझे तुम पे ना स्कूल से बहुत बड़ा क्रश था। रियली? सो मैं तुम्हें कल पिकअप करूं रीयूनियन के लिए 8 बजे? क्या विनी, सुबह सुबह क्या? अरे मुझे बहुत जरूरी काम था यार, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है। क्या क्या? दिव्या तुमसे मिलना चाहती है, लाइक शी वांट्स टू मीट यू। अरे बड़ा शाम को मिल तो रहे हैं रीयूनियन पे। अरे नहीं, वो तुमसे पहले मिलना चाहती है, शी वांट्स टू मीट यू बिफोर। बिफोर? हां, उसने मुझे बोला तुमसे पूछने के लिए, शी टोल्ड मी टू आस्क यू। खुद भी तो पूछ सकती थी। अरे उसको अजीब लग रहा था, शी वाज फीलिंग शाय एंड अनकंफर्टेबल ना। अच्छा छोड़ो, अच्छा बताओ कब और कहां मिलना? लाइब्रेरी कैफे, 2 घंटे में। ओके। हाँ जी बेटा। मॉम, मुझे बाहर जाना है, तो आप मेरे लिए दूध गर्म कर दोगे प्लीज? ऑफ कोर्स बेटा, बस 5 मिनट दे दो, अभी कर देती हूँ। तुम भी उनसे कुछ खास अच्छी तरीके से बात नहीं कर रहे थे।
बात करके देखो यार आराम से एक बार. He was right यार. She's a genius. Mom. हाँ जी बेटा. I love you. I love you too पुत्र जी. Harsh, right? I have something for you, and I'm sure. उसे देख के तुम मुझे जरूर पहचान जाओगे. Wait a minute. Ta-da. Divya Sharma. Yes. पहचाना मुझे? I'm sorry. ओ हाँ, कैसे पहचानोगे? I have something for you, and I'm sure उसे देख के तुम मुझे जरूर पहचान जाओगे. Wait a minute. Ta-da. Remember? तुम्हें मेरी मॉम के हाथ का पोहा सबसे ज्यादा पसंद था, इसीलिए चोरी छुपे तुम मेरा टिफिन खा जाया करते थे. इसीलिए मैंने सोचा कि हम इतने सालों बाद मिल रहे हैं तो कम से कम ये तो बनता है. क्यों? और वैसे भी हम स्कूल में तो कभी नहीं मिले, लेकिन विनी ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया. दिव्या शर्मा. Yes. Oh God, Harsh, it's so good to see you after so many years. क्या हुआ हर्ष, तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो क्या? नहीं अब आई मीन ऐसा नहीं है वो एक्चुअली तुम तो वो लेकिन मैं एक्चुअली वो उस लेकिन जो तुम देखा मुझे पता था, इसीलिए मैं रीयूनियन से पहले तुमसे अकेले में मिलना चाहती थी ताकि हम दोनों के बीच में ये जो ऑकवर्डनेस है ना ये पूरी तरह से खत्म हो जाए और हम पार्टी को फुल्ली इंजॉय कर सके. और वैसे भी इतने सालों बाद मिलने के बाद थोड़ी बहुत तो ऑकवर्डनेस होती है ना यार. तुम रियल में दिव्या शर्मा हो? हाँ इडियट, मैं वही दिव्या शर्मा हूँ जिसने तुम्हारे क्लास डिबेट के इंटरजेक्शन क्वेश्चन पर अकेले तालियां बजाई थी और जिससे तुम बहुत ज्यादा खुश भी हो गए थे. और रिमेम्बर जिसने अपने बाल बहुत ही ज्यादा छोटे कटाए थे और उसे छुपाने के लिए हमेशा कैप पहनकर स्कूल आया करती थी. एंड यू रिमेम्बर एक बार हम पिकनिक पर गए थे तो मैंने बहुत जरूरी काम याद आ गया. मैं I'll talk to you later, okay? Thanks for this. Bye. अरे but Harsh. मैंने कहा था ना मैंने फैल गया ना रायता. I mean फैल गई ना काली दाल. आ गई ना बचपन की पीली दाल पिंक टिफिन में पीला पोहा लेके. I was right. Harsh जिस दिव्या शर्मा को अपने बचपन का क्रश समझ के क्रेजी हुआ जा रहा है वो रॉन्ग दिव्या शर्मा है. राइट दिव्या शर्मा तो पिक्चर में अभी आई है. अब देखते हैं इस रॉन्ग दिव्या और राइट दिव्या को मिस्टर हर्ष राज कैसे संभालते. आ रहा हूं बेटा हर्ष. मम्मी अभी नहीं यार, नहीं पीना दूध तुझे. हाँ तो ठीक है फिर अपने आप गर्म करके पी लेना, मैं नहीं बार बार गर्म करके देने वाली, समझे? जा! क्या हो गया यार, ये वाली दिव्या को वाली दिव्या समझ के मैंने क्या. हेलो दिव्या, मुझे ना तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है. वो हाय, मैं अभी तुम्हें फोन करने वाली थी एक्चुअली. या वो दिव्या एक सेकंड, आई एम गेटिंग अनदर कॉल. एक सेकंड ना, एक सेकंड. हेलो हे. ओ दिव्या, तुम इतनी अब्रप्टली कैफे से चले गए तो आई थॉट दैट आई विल कॉल यू. हां वो एक मिनट एक्चुअली मुझे ना, मैं किसी से ऑलरेडी बात कर रहा हूं. एक सेकंड. हां दिव्या तुम क्या कह रही थी? हां मैं ये कह रही थी कि क्या तुम मुझे आज रियूनियन के लिए पिक कर सकते हो? वो तो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ ना यार, तुम्हें 8 बजे. ये तुमने कब कहा था?
इनफैक्ट तुम तो कैफे से बिना कुछ कहे ही चले गए थे। ओ दिव्या, तुम वो वाली दिव्या? कौन सी दिव्या? कोई नहीं, एक सेकंड, मुझे ना एक फोन आ रहा है, एक सेकंड ओके। हेलो, हाँ तुम दिव्या, तुम क्या कह रही थी? तुम मुझे 8 बजे पिकअप कर रहे हो? तुम मुझे पिक कर रहे हो ना? तुम्हें तो 8 बजे पिक कर रहा हूं, तुम्हें 8 बजे व्हाट क्रैप। एक सेकंड दिव्या, मैंने तुमसे वीडियो चैट पे बात की थी कि मैं तुम्हें 8 बजे पिक करूंगा। वही कंफर्म करने के लिए एक्चुअली तो मैं फोन कर रही थी। ओके ठीक है, बाय, आई विल सी यू देयर। ओके ग्रेट, सो आई विल टेक्स्ट यू माय एड्रेस। अरे एड्रेस तो तुमने ऑलरेडी मैसेज किया हुआ है यार। मैंने कब भेजा? ओ दिव्या, ओ गॉड, हर्ष तुम क्या कर रहे हो और ये क्या बोल रहे हो? पार्टी से पहले ही ड्रंक हो क्या? नो मैं तुम्हें ना टेक्स्ट करता हूँ, ओके? सॉलिड कंफ्यूजन है यार। दोनों को 8 बजे कैसे पिक करूंगा? एक को 8 बजे का टेक्स्ट करता हूँ, दूसरे को 8:20 का टेक्स्ट करता हूँ। एक्चुअली ना मैं घर पे कुछ भूल गया हूँ, मैं 10 मिनट में आता हूँ। ओके इसका मतलब है मामला काफी आगे बढ़ चुका है। The matter has reached far and wide, is it? हाँ? या? मैं एक सेकंड में आया हूँ। हाय। कहाँ रह गए थे तुम? कब से तुम्हारी वेट कर रहे हो यार? वो काम इम्पोर्टेंट था ना तो ज़्यादा टाइम लग गया। I'll get you a drink. Yeah. Harsh, how sweet of you. तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ये वाली ड्रिंक पसंद है? मुझे नहीं पता है तुम्हें वो एक्चुअली ये नहीं वो I mean keep. ड्रिंक कहाँ रह गए थे? वो टॉयलेट। ड्रिंक हर्ष, आई विल कम इन अ मोमेंट। ओके समवन इज कॉलिंग मी। हर्ष तुम कहाँ रह गए थे? टॉयलेट। टॉयलेट? हाँ लेट्स गो डांस। नो कम। नो तो हर्ष कैसी लगी दिव्या? How you liking दिव्या? मैंने कहा था ना मैं तेरा कुछ चक्कर चलाऊंगी उसके साथ। I told you I'll spin some wheel for you। वो वाली दिव्या शर्मा। चल। Finny try and understand वो जो दोस्तों, friends, 2006 batch के reunion में आप सभी का स्वागत है और आज हम एक बहुत ही special game खेलेंगे। एक लड़का आएगा और इसमें से एक चिट निकालेगा जिस पर एक लड़की का नाम होगा। There will be a name of a girl with whom the boy will have to dance on a romantic number. So, samjhe aap log? Do you understand? So, तुम्हारा नाम ही दिव्या शर्मा है, राइट? भी मतलब? मेरा ही नाम दिव्या शर्मा है। एक्चुअली मेरा नाम भी दिव्या शर्मा है। आई वाज इन सेक्शन सी। ओह ग्रेट, नाइस टू मीट यू। दिव्या शर्मा नंबर
पूछू? एक्चुअली हर्ष मेरे साथ आया है. आई एम हिज पार्टनर. नो वेव्स, आई थिंक यू आर मिस्टेकन. हर्ष अगर कोई चिट निकालेगा ना तो उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम होगा, है ना मेरी? एक्सक्यूज मी, ओके? आई थिंक इसका फैसला हर्ष करेगा. सॉरी बेब्स, इसका फैसला हर्ष ऑलरेडी कर चुका है. कम ऑन हर्ष. तो फाइनली रॉन्ग दिव्या शर्मा और राइट दिव्या शर्मा आमने सामने आ ही गए. चलो सही है, एटलीस्ट बेचारे हर्ष का ये टॉम एंड जेरी का खेल खत्म हुआ. एक्चुअली खत्म नहीं, खेल अब शुरू है. दिव्या, मेरी बात सॉरी. क्यों आए हो मेरे पास? जाओ अपनी दूसरी दिव्या शर्मा के साथ डांस करो ना. यार वो सिर्फ दोस्त है, इतने टाइम बाद मिल रही है ऑब्वियसली इसके. हर्ष तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले जाते हो हमेशा? स्टॉप इट हर्ष, ओके? आई डोंट वांट टू लिसन टू एनीथिंग. अगर तुम्हें इस दिव्या शर्मा के साथ रहना था तो इसी के साथ आते ना, मेरे साथ क्यों आए थे? ओ हेलो, तुमने कुछ ज्यादा पी ली है क्या? हर्ष यहाँ मेरे साथ आया है. एक्सक्यूज मी, हर्ष के साथ मैं आई हूँ. उसने मुझे मेरे घर से पिकअप किया था. हर्ष, कैन यू टेल हर दैट यू पिक्ड मिया? सच अ लायर. You know what? I'm leaving. Hey, wait a minute. ये तो मेरा handkerchief है ना, जो fifth standard में खो गया था. In fact, ऐसे वाले मेरे पास सिर्फ तीन ही थे, जिसमें से एक मैं आज भी use करती हूँ. Harsh, you're such a sweetheart. तुमने इसे आज तक संभाल के रखा है. What? ये इसका handkerchief था, जो तुम इतने साल लेकर घूम रहे थे और मुझे कह रहे थे मेरा था. Actually. गलती मेरी है, मेरी यही प्रॉब्लम है. मैं किसी की भी बात एकदम आसानी से मान लेती हूँ. पता नहीं कैसे मैंने तुम पर विश्वास किया. हर बार की तरह इस बार भी मेरा ही हाथ. दिव्या सर, अरे जाओ यार, इतनी सच्चाई की मूर्ति बनती हो तो पहले नहीं बता सकते कि तुम दिव्या शर्मा नहीं हो. मेरा मतलब हो, लेकिन ये वाली नहीं हो यार. जब तुम्हें कुछ याद नहीं था तो दिमाग में घंटी नहीं. क्या यार, क्या कंफ्यूजन है यार ये सब. हर्ष, What's the matter? क्या प्रॉब्लम है? बहुत लंबी स्टोरी है आज का. चलो मेरे साथ, चलो. प्रॉब्लम क्या है? विनी ने तो मुझे कहा था कि तुम मुझसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हो, लेकिन जब से मैं देख रही हूँ कि तुम मुझे कॉन्स्टेंटली अवॉइड कर रहे हो, और अब ये सब. ओके. मुझे तुम्हें कुछ कहना चाहिए. सी, अब ऑन वन हैंड फिफ्थ ग्रेड से तुम मेरा क्रश थी, राइट? अरे लेकिन ऑन द अदर हैंड अब तुम उसे लाइक करते हो, राइट? पर बाबा, ऑन द फर्स्ट हैंड तुम मेरा क्रश थी ना. एग्जैक्टली, मैं क्रश थी, अब नहीं हूं. सो प्लीज, अब ये वन हैंड और अदर हैंड करना छोड़ो और जाके उसका हैंड पकड़ो, कहीं वो तुम्हारे हैंड से निकल ना जाए. Thank you. Divya? Taxi जल्दी भेजो. Divya. एक बार प्लीज मेरी बात तो सुन लो यार. तो ऐसे ही कंफ्यूजन बढ़ती चली गई. बस अब बहुत हो गया. अब मैं सारी कंफ्यूजन को अभी इसी वक्त दूर करना चाहता हूं. एक सेकेंड. So, वो जो पहला वाला रुमाल था वो तो पहली वाली दिव्या शर्मा का था, जिसे मैं तुम समझ के, you know, तुम्हें दे दिया था. लेकिन अब जो ये रुमाल है,
ये मेरा खुद का है और मैं तुम्हें ही समझ के दे रहा हूं। एंड आई होप कि तुम इसे सालों साल संभाल के रखोगी। सो या, हियर इट गोज। दिव्या शर्मा, बडिंग एंजल स्कूल, बैच ऑफ 2006, वाशी, सेक्शन सी। I have really fallen in love with you. And only you. Harsh Rajput, I'm in love with you too. Thanks. हेलो हर्ष, सुबह हो गई है तो अब तक घर नहीं आया। मॉम, मैं पार्टी करने आया था ना, सत्संग में नहीं आया था ना। व्हाई डू यू कॉल मी अगेन एंड अगेन? हेलो आंटी, मैं दिव्या बोल रही हूँ, हर्ष की फ्रेंड। हाँ बेटा। नहीं एक्चुअली हम रियूनियन में आए थे ना, तो टाइम का कुछ पता ही नहीं चला, सारे फ्रेंड्स इतने टाइम के बाद मिले थे। हर्ष थोड़ी देर में घर आ जाएगा, आप चिंता मत करो। ओके ठीक है बेटा, हर्ष को जरा फोन देना। हर्ष आराम से एंजॉय करो बेटा, लेट भी आओगे तो कोई बात नहीं, बस अपना ध्यान रखना, ठीक है बेटा? How do you do that? Guys, तुम दोनों मुझे रलाओगे यार। बचपन से जो आदमी पीली दाल के पीछे पागल था, उसे आफ्टर ऑल काली दाल का चस्का तो लगने ही वाला, ढूंढने निकले किसी और को और बाय चांस मिल गए कोई और। तो दोस्तों, लव बाय चांस की इस स्टोरी में आपको क्या सीखने को मिला कि लाइफ में दिल, आंखें और दिमाग हमेशा खुले रखो, क्योंकि क्या पता कब कहां कैसे कोई ऐसे टकरा जाए जिसे देखते ही आपके दिल की घंटी बजने और आपको भी हो जाएगा लव बाय चांस। एनवी 1000 प्रेजेंट्स बिंदास लव बाय चांस, को प्रेजेंटेड बाय डेलिका, पावर्ड बाय वीचैट। अगर आप इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हैं या हमसे बात करना चाहते हैं, तो यू कैन गेट होल्ड ऑफ अस ऑन ट्विटर @bindastv #lovebychance। हम पहली बार मिले, एक्चुअली बहुत फनी था। मैं अपनी फ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पर थी, वी चैट पर किसी रेस्टोरेंट में बैठी थी, ये उसके पीछे बैठा मुझे हाय किए जा रहा है कब से, तो उसने भी फोन इसे ही दे दिया। ऐसे ही हमने 1.5 घंटे तक वीडियो कॉल की। वो फ्री था ना, वहाँ पर वाईफाई था, इसलिए इसकी फ्रेंड को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हम दोनों का लव ऐसे ही बाय चांस ही हो गया।